स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.6 के बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। बाय हाउ मच इज इतने लेस देन इतने, ठीक है, यानी कि इसमें बताना है कि जो संख्या दे रखी है वो इससे कितनी कम है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये वाली संख्या है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये संख्या हमको दे रखी है, ठीक है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो ये संख्या है वो इससे कितनी कम है। ठीक है, तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, 2 में से 5 जाएगा नहीं तो हम इस पे से 1 ले लेंगे, फिर हम इस पे से 1 लेंगे कितना बन जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ हमारा 9 रह गया था, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ हमारा 2 रह गया था, 2 में से तो 6 जाएगा नहीं तो हम इस पे से 1 ले लेंगे कितना बन जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ 4 रह गया, 4 में से 4 0, 8 में से बन जाएगा 7, तो इतनी ये संख्या हमारी आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है बाय हाउ मच इज इतना मोर देन इतना। ठीक है, ये संख्या दे रखी ये इससे कितनी ज़्यादा है वो हमें पता लगानी है, तो हम क्या करेंगे इस वाली संख्या में से, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है इसमें से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारी ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि ये संख्या, ये वाली संख्या इससे कितनी ज़्यादा है। ठीक है, टू कैंडिडेट कॉन्टेस्टेड इन एन इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट गॉट इतने वोट्स एंड द सेकेंड कैंडिडेट गॉट इतने वोट्स, हु वॉन द इलेक्शन एंड बाय हाउ मैनी वोट्स। ठीक है, यानी कि दो कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हुए हैं, पहले कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं, सेकेंड वाले को इतने वोट मिले। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन इलेक्शन जीता है और उसे कितने वोट मिले। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडिडेट गेट इतने वोट्स, सेकंड कैंडिडेट गेट इतने वोट्स, तो फर्स्ट वाले में से जो सेकंड कैंडिडेट हैं उसके वोट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीतता है इतने वोट्स के द्वारा। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है सुधीर हैड इतने विद हिम, यानी कि उसके पास इतने पैसे हैं, ही परचेस्ड अ हाउस फॉर इतना एंड ए कार फॉर इतने। ठीक है, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, यानी कि जो सुधीर है उसके पास टोटल अमाउंट इतना है जिसमें से उसने एक घर खरीदा है इतने रुपए का और एक कार खरीदी है इतने रुपए की। ठीक है, तो उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो उसने घर खरीदा है उसके लिए जो उसने पैसे खर्च किए और एक कार खरीदी उसके लिए जो उसने पैसे खर्च किए, इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो सुधीर के पास टोटल पैसे हैं उसमें से इन दोनों के जो अमाउंट प्लस करने के बाद हमारे पास आई है उसको माइनस कर देंगे, तो जो उसके पास पैसे बचे हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि टोटल मनी इतनी है सुधीर के पास, उसने घर खरीदा इतने रुपए का, एक कार खरीदी इतने रुपए की, तो टोटल मनी जो कि उसके द्वारा स्पेंड कर दिया गया है, यानी कि उसके द्वारा जो खर्च कर दिया गया है वो कितना होगा, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, जो टोटल मनी उसके द्वारा स्पेंड की गई वो आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो टोटल मनी है ना सुधीर के पास जो है और जो उसने स्पेंड किया, तो टोटल मनी में से उसकी स्पेंड की हुई मनी को माइनस कर देंगे, तो उसके पास जितना पैसा बचा है वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है ए मिल्क डेयरी प्रोड्यूस्ड इतने लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे, एक दिन में इतने लीटर दूध प्रोड्यूस करता है, इट इज़ सप्लाइड इतने लीटर टू वन टाउन एंड इतने लीटर टू अनदर टाउन, हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट विद द डेयरी ऑन द डे, और उस दिन डेयरी में कितना दूध बचा, यानी कि जो एक मिल्क डेयरी है वो टोटल इतने लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है एक दिन में। ठीक है, और वो सप्लाई करती है इतने लीटर दूध एक टाउन में और इतने लीटर दूध दूसरे वाले टाउन में। ठीक है, तो जो कितना मिल्क है उसके पास बचा होगा एक दिन में, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों टाउन में मिल्क जो सप्लाई करती है जो मिल्क डेयरी है उसको हम प्लस कर लेंगे, और जो टोटल मिल्क प्रोड्यूस करती है एक दिन में वो उसमें से जो इन दोनों टाउन में जो मिल्क वो सप्लाई करती है उनको प्लस करने के बाद जो आएगा वो माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो टोटल मिल्क है डेयरी में बचता है उस दिन, ठीक है, वो निकल के आ जाएगा। टोटल मिल्क जो है डेयरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है एक दिन में वो इतना है,
एक टाउन में इतना सप्लाई होता है, दूसरे में इतना, तो टोटल सप्लाई इतना हो गया। अब जो टोटल मिल्क एक दिन में प्रोड्यूस होता है वो इतना है, और जो टोटल सप्लाई होता है एक दिन में वो इतना है। तो टोटल मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसमें से जो मिल्क सप्लाई होता है एक दिन में वो माइनस कर देंगे, तो जो मिल्क बचा है एक दिन में वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे आपके।